हे गाइस, दिस इज डॉक्टर प्रियंका सिंगला एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की प्रॉब्लम फीमेल्स में होना बहुत कॉमन है, जिसे हम यूटीआई भी कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के कौन कौन से कॉमन कॉजेज हैं, यानी कि वो कौन से कॉजेज हैं जिसकी वजह से फीमेल्स में बहुत कॉमनली यूटीआई हो जाता है, और वो कौन सी होम्योपैथिक मेडिसन्स हैं जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में बहुत अच्छा काम करती हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कॉजेज ऑफ यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के वो कौन कौन से कॉमन कॉजेज हैं। पुअर पर्सनल हाइजीन की वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का होना बहुत कॉमन है, या फिर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस की वजह से, जैसे बैक्टीरिया की वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का होना बहुत कॉमन है। वहीं डायबिटीज़ के पेशेंट्स आते हैं, फीमेल्स आती हैं जो कंप्लेन करते हैं कि उन्हें बार बार यूटीआई की प्रॉब्लम हो जाती है। बावल इनकॉन्टिनेंस की वजह से, किडनी स्टोन की वजह से, एसटीडी की वजह से यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की वजह से यूटीआई का होना बहुत कॉमन है। वहीं कुछ फीमेल्स आती हैं जो कंप्लेन करती हैं कि उन्हें सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये कुछ कॉमन कॉजेज हैं जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के रीजंस हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं वो कौन सी होम्योपैथिक मेडिसन्स हैं जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में बहुत अच्छा काम करती हैं। सबसे पहले बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंट की वजह से बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया से हमें ल्यूकोरिया बहुत ज़्यादा हो जाता है। एक्सेसिव ल्यूकोरिया की वजह से अगर हमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन रहता है, यानी जो हमारा वजाइनल डिस्चार्ज है नॉर्मल से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और डिस्चार्ज बहुत एक्रिड है, डिस्चार्ज बहुत सेंसिटिव हो जाती है वजाइना, उसकी वजह से इचिंग बहुत ज़्यादा रहती है हमें, अगर एक्सेसिव ल्यूकोरिया है जो हमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज करता है, तो उस केस में हमें साइलेशिया लेनी है। साइलेशिया 30 की पोटेंसी में लीजिएगा। साइलेशिया 30 दिन में 3 बार लेनी है आपको, सुबह दोपहर शाम, 3-3 बूंद जीभ के ऊपर। अगर आपको एक्सेसिव ल्यूकोरिया की वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है जो कि डिस्चार्ज बहुत एक्रिड है, इचिंग बहुत करता है डिस्चार्ज, तो वो आपका ठीक हो जाएगा, ल्यूकोरिया भी आपका ठीक हो जाएगा, और उसकी वजह से जो आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है वो भी आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि कुछ फीमेल्स आती हैं जो कंप्लेन करती हैं उन्हें सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है, यानी वो अपने पार्टनर के अगर सेक्सुअल कॉन्टेक्ट में आती हैं तो उसके बाद में उन्हें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है। वजाइना बहुत सेंसिटिव हो जाती है, बहुत पेन रहता है वजाइना में, और इचिंग बहुत ज़्यादा रहती है। अगर आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद में है तो उस केस में आपको प्लैटिना लेनी है। प्लैटिना होम्योपैथिक मेडिसिन है। प्लैटिना 30 की पोटेंसी में लीजिएगा। प्लैटिना 30 दिन में 2 बार लेनी है आपको, सुबह और शाम, 3-3 बूंद आपको जीभ के ऊपर लेनी है। अगर आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद में है तो वो आपका सही हो जाएगा। फीमेल्स आती हैं जो कंप्लेन करती हैं कि उन्हें क्रॉनिक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, यानी कि उनका इन्फेक्शन बहुत लंबे टाइम से चला आता है। जैसे ही उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल ख़त्म होती है उन्हें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है। अगर आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल ख़त्म होने के बाद में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन रहता है, वजाइना में बहुत इचिंग रहती है, बहुत सेंसिटिव है वजाइना, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आपको मेंसेस ख़त्म होने के बाद में है, तो उस केस में हाइड्रेस्टिस लेनी है। हाइड्रेस्टिस आप मदर टेंचर की फॉर्म में लीजिएगा, हाइड्रेस्टिस क्यू यानी हाइड्रेस्टिस मदर टेंचर, 15-15 ड्रॉप्स लेनी है आपको दिन में 3 बार, 1/4 कप ल्यूक वार्म वाटर में, यानी नॉर्मल सा हल्का गर्म पानी है उसमें 15 बूंद डाल के दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम 15-15 बूंद आपको लेनी है। वो आपका अगर मेंसेस के बाद में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो वो आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अगर ओल्ड एज फीमेल्स में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन रहता है, यानी कि अराउंड द टाइम ऑफ मेनोपॉज और आफ्टर मेनोपॉज, अगर आपके मेंसेस बंद हो गए हैं या फिर मेंसेस बंद होने वाले हैं और उस टाइम पे आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन रहता है, यूरिन का फ्लो बहुत इन्वॉलेंट्री है, खांसते टाइम पे, छींकते टाइम पे यूरिन निकल जाता है, यूरिन ड्रॉप ड्रॉप में यूरिन आता है, पेशेंट्स को यूरिन पास करने के बाद भी कोई रिलीफ नहीं मिलता। अगर आपको ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं कि यूरिन बहुत इन्वॉलेंट्री है, खांसते टाइम पे, छींकते टाइम पे यूरिन निकल जाता है, ड्रॉप्स में यूरिन पास होता है, तो उस केस में आपको इक्विसेटियम लेनी है।
इक्वेसेटियम 30 की पोटेंसी में लीजिएगा। इक्वेसेटियम 30 दिन में 3 बार लेनी है ये आपको, सुबह दोपहर शाम, तीन तीन बूंद जीभ के ऊपर लेनी है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अगर किडनी इन्फेक्शन की वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। यूरिन पास करते टाइम पे बहुत ज़्यादा बर्निंग रहती है। अगर आपको यूरिन के लिए बहुत बार बार जाना पड़ता है, अर्जेंसी बहुत ज़्यादा है, यूरिन के टाइम पे बहुत बर्निंग रहती है, किडनी इन्फेक्शन की वजह से आपका फ्लो इंटरप्टेड है। कभी कभी होता है कि आपके यूरिन में ब्लड भी आ जाता है। अगर आपको ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं कि किडनी इन्फेक्शन की वजह से आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, तो उस केस में आपको कैंथेरिस लेनी है। कैंथेरिस होम्योपैथिक मेडिसिन है, मदर टेंचर की फॉर्म में लीजिएगा। कैंथेरिस क्यू मदर टेंचर 15-15 बूंद दिन में 2 बार लेनी है आपको, सुबह और शाम 1/4 कप पानी में डाल के, नॉर्मल सा पानी लेना, उसमें 15 बूंद डाल के दिन में 2 बार लेना है आपको। अगर आपको किडनी इन्फेक्शन की वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो वो आपका सही हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया व्हाट आर द कॉजेज ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और वो कौन सी होम्योपैथिक मेडिसन्स हैं जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में बहुत अच्छा काम करती हैं। मेडिसिन के साथ में पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में। तो पर्सनल हाइजीन मेंटेन कीजिएगा अगर आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, और अगर ना हो उसके लिए भी आप पर्सनल हाइजीन मेंटेन कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।